साइक्लोन बिपरजॉय तबाही और बर्बादी मचाते हुए राजस्थान की तरफ बढ़ चला है। राजस्थान से आ रही हवाओं का असर दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी देखने को मिला। कई दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली को तूफान बिपरजॉय के चलते तेज बारिश और हवा के झोंकों ने राहत दिलाई। हालांकि बारिश के बाद ह्यूमिडिटी में भी बढ़त दर्ज हुई है। This is heavy rainfall warning for Rajasthan region. You can see that southwest Rajasthan likely to experience very heavy to extremely heavy rainfall during next 2 days, and thereafter this eastern parts of Rajasthan likely to experience this extremely heavy rainfall on 17th and 18th of June. So this is heavy rainfall warning for Rajasthan. Now let us move to. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले 3-4 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना है। इसके साथ ही आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की जा सकती है। वहीं अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज की जाएगी। South southern peninsular India and also adjoining areas of East India. So this blue line shows the advance of monsoon which has been covered and shown by this blue line, and this white portion of this shows that southwest monsoon is still likely to reach over this region. So accordingly we are telling that during the period of 18 to 21 there are possibility to move further the southwest monsoon, this more parts of south and this southern peninsular India and also parts of eastern parts of the country. बता दें कि IMD ने पिछले महीने उच्च पश्चिम भारत में सामान्य और सामान्य से नीचे मॉनसून की भविष्यवाणी की थी। जून के महीने में देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य और सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जाता है। IMD ने कहा था कि मॉनसून 1 जून की सामान्य तारीख के एक हफ्ते बाद 8 जून को केरल में भारतीय मुख्य भूमि पर पहुंचा है और अरब सागर में चक्रवात बिपरजॉय ने इसे और लेट कर दिया।